नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बेगूसराय पुलिस प्रशासन के खिलाफ जनता का आक्रोश। बेगूसराय लोहिया नगर थाना क्षेत्र के लोहिया नगर रेलवे ओवर ब्रिज सड़क पर सरेआम बाइक सवार बदमाशों ने कपड़ा दुकानदार को सिर में गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी। यह घटना लगभग 8 बजे रात्रि की है। मृतक की पहचान नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 38 मोहल्ला निवासी ओम प्रकाश दास के 40 वर्षीय पुत्र गोपाल दास के रूप में की गई। पुलिस ने घटना की सूचना मिलते ही घटना स्थल पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल भेज दिया। बगल में रजौड़ा, पचम्बा, ऐसे छोटे छोटे जगहों पर बाजार का विस्तार हो रहा है और यहाँ के व्यवसायी वहाँ जाकर सोने की दुकान खोलते हैं, कपड़े की दुकान खोलते हैं और शाम को अपना दुकान बंद करके अपने निवास स्थान पर आते हैं। पिछले दिनों भी स्वर्ण व्यवसायी पर गोली चलाई गई, उसमें भी गश्ती का सवाल खड़ा हुआ और आज पुल पर इसे मार दिया गया, जो कि एकदम व्यस्तम जगह है। ये भी कपड़ा व्यवसायी है। इसका मतलब साफ है कि बेगूसराय में जो गश्ती की व्यवस्था है, बेगूसराय में जो पुलिसिंग है, वो एकदम लुंजपुंज है, नकारा है। और ऐसे में मैं पुलिस अधीक्षक से मांग करता हूँ, इसके बारे में समेकित रूप से काम करिए। आपके जो पुलिस हैं वो गश्ती नहीं करता है, वो मटर गश्ती करता है और उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। ये सेंसिटिव नहीं है, गैर जिम्मेदाराना है, इसलिए लगातार व्यवसायियों पर जो हमला हो रहा है। स्वर्ण व्यवसायी पर हमला हुआ, वो बच गया भगवान की कृपा से, पता नहीं उसमें कौन से अपराधी हुए। इसीलिए अपराधियों का एक संगठित गिरोह है जो शाम को व्यवसायी अपने दुकान बंद करके लौटते हैं, उस पर संगठित रूप से हमला होता है और वही ये हमला है। इसीलिए हम पुलिस अधीक्षक से मांग करते हैं और कहते हैं कि इन तमाम ऐसे हमलों का जो आज पिछले 15 दिनों में घटा है, एक महीना में घटा है, व्यवसायियों पर हमला हो रहा है और आपका गश्ती एकदम जीरो है, आपका गश्ती होता ही नहीं है, इसीलिए गश्ती पर सवाल है। और मैं पुलिस अधीक्षक से कहता हूं कि इसको 15 दिनों में सुधार कीजिए, नहीं तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी और सरकार ऐसे मूक दर्शक बनकर नहीं रहेगी कि आम जनता का खून बहता रहे और आप बैठकर अपने ऑफिस में मौज करते रहे। रात को किसी को अगर पैदल आदमी चला है तो उसका सामान छीन लिया जाता है, महिला के साथ छेड़खानी होता है इस पुल पे। सुबह कोई 4 बजे सुबह इस पुल पे अकेले घुसे, उसका सामान छीन लिया जाता है, उसका गले का चेन छीन लिया गया महिला के साथ। कौन चीज से थे, क्या पता चला? बाइक से थे और अज्ञात लोगों के द्वारा इन पर। कहाँ की घटना है ये? घटना ये आपके लोहिया नगर जो पुल है, मृतक की पहचान हो पाई है। विटामिन न्यूज के लिए बिहार बेगूसराय से नबी आलम की रिपोर्ट।